भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लाथम 50 और विल यंग 75 क्रीज पर होंगे। दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच 129 रन की नाबाद साझेदारी हो चुकी है। मैच के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाज विकेट निकाल पाने में असमर्थ रहे। तीसरे दिन के पहले सेशन में भारतीय खिलाड़ियों पर जल्द विकेट निकालने का दबाव होगा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर स्कोर न्यूजीलैंड 129-0, भारत 3-4-5-10। आज मैच का तीसरा दिन है और पिच अब धीरे धीरे टूटेगी, ऐसे में यहां स्पिनरों की भूमिका होने वाली है। कोच राहुल द्रविड़ और टीम के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी इस बात को बखूबी जानते हैं और इसलिए पिच का को समझने का प्रयास कर रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन ने आखिरकार विल यंग को अपनी फिरकी में फंसा ही लिया। अश्विन की निचली गेंद पर यंग के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेटकीपर केएस भरत ने एक शानदार कैच पकड़ा। यंग 214 गेंदों में 89 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 67 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 152-1, केन विलियमसन 1*, टॉम लाथम 56*। भारत ने अब दोनों छोर से स्पिन आक्रमण लगा दिया है, एक तरफ से रविंद्र जडेजा और दूसरी तरफ से रविचंद्रन अश्विन को लगाया गया है। न्यूजीलैंड का स्कोर 165-1, टॉम लाथम 64*, केन विलियमसन 4*। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के आउट होते ही लंच ब्रेक ले लिया गया। उमेश यादव ने तीसरी गेंद पर केन विलियमसन को 18 रन के स्कोर पर LBW आउट किया। भारत को इस सत्र में 2 सफलता मिली। न्यूजीलैंड का स्कोर 197। मैच में दूसरे दिन क्या कुछ हुआ? कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन की शुरुआत भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने अपनी पहले दिन की नाबाद पारियों को आगे बढ़ाते हुए की। दूसरे दिन मैच के पहले सत्र में ही भारतीय बल्लेबाज एक के बाद पवेलियन लौटते गए। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम सऊदी और एजाज पटेल ने मिलकर दूसरे दिन टीम इंडिया के 6 विकेट छटके। इस तरह टीम इंडिया अपने पहले दिन के स्कोर 258-4 में 87 रन ही जोड़ सकी और 345 रन पर ऑल आउट हो गई। मैच में दूसरे दिन टीम इंडिया के श्रेयस अय्यर खास आकर्षण रहे। उन्होंने डेब्यू टेस्ट में शतक लगाया। वहीं टीम सऊदी ने 5 भारतीय बल्लेबाजों के विकेट चटकाए। मैच में पहले दिन क्या कुछ हुआ? कानपुर टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर 258 रन बनाए। 5वें विकेट के लिए श्रेयस अय्यर 75 और रविंद्र जडेजा 50 के बीच 113 रन की नाबाद साझेदारी हुई। एक वक्त 145 रन पर अपने 4 विकेट गवा चुकी टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा की साझेदारी ने टीम इंडिया को 250 पार पहुंचाया। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने पहले दिन 3 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 345 रन का स्कोर खड़ा किया। दूसरे दिन 258-4 के स्कोर से आगे खेलते हुए टीम ने 87 रन जोड़े और 6 विकेट गवाए। भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर ने अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया और 105 रन बनाकर आउट हुए। भारत की तरफ से अन्य बल्लेबाजों में शुभमन गिल 52, रविंद्र जडेजा 50 और रविचंद्रन अश्विन 38 रन बनाए। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से टिम सऊदी सबसे सफल गेंदबाज रहे और 5 विकेट छक्के, जबकि काइल जेमिसन के नाम 3 विकेट आए। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लाथम 50 और विल यंग 75 क्रीज पर होंगे। दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच 129 रन की नाबाद साझेदारी हो चुकी है। मैच के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाज विकेट निकाल पाने में असमर्थ रहे। तीसरे दिन के पहले सेशन में भारतीय खिलाड़ियों पर जल्द विकेट निकालने का दबाव होगा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर स्कोर न्यूजीलैंड 129-0, भारत 3-4-5-10। आज मैच का तीसरा दिन है और पिच अब धीरे धीरे टूटेगी, ऐसे में यहां स्पिनरों की भूमिका होने वाली है। कोच राहुल द्रविड़ और टीम के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी इस बात को बखूबी जानते हैं और इसलिए पिच का को समझने का प्रयास कर रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन ने आखिरकार विल यंग को अपनी फिरकी में फंसा ही लिया। अश्विन की निचली गेंद पर यंग के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेटकीपर केएस भरत ने एक शानदार कैच पकड़ा। यंग 214 गेंदों में 89 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 67 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 152-1, केन विलियमसन 1*, टॉम लाथम 56*। भारत ने अब दोनों छोर से स्पिन आक्रमण लगा दिया है।
एक तरफ से रविंद्र जडेजा और दूसरी तरफ से रविचंद्रन अश्विन को लगाया गया है। न्यूजीलैंड का स्कोर 165/1, टॉम लाथम 64*, केन विलियमसन 4*। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के आउट होते ही लंच ब्रेक ले लिया गया। उमेश यादव ने तीसरी गेंद पर केन विलियमसन को 18 रन के स्कोर पर LBW आउट किया। भारत को इस सत्र में 2 सफलता मिली। न्यूजीलैंड का स्कोर 197। मैच में दूसरे दिन क्या कुछ हुआ। कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन की शुरुआत भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने अपनी पहले दिन की नाबाद पारियों को आगे बढ़ाते हुए की। दूसरे दिन मैच के पहले सत्र में ही भारतीय बल्लेबाज एक के बाद पवेलियन लौटते गए। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम साउदी और एजाज पटेल ने मिलकर दूसरे दिन टीम इंडिया के 6 विकेट झटके। इस तरह टीम इंडिया अपने पहले दिन के स्कोर 258/4 में 87 रन ही जोड़ सकी और 345 रन पर ऑल आउट हो गई। मैच में दूसरे दिन टीम इंडिया के श्रेयस अय्यर खास आकर्षण रहे। उन्होंने डेब्यू टेस्ट में शतक लगाया। वहीं टीम साउदी ने 5 भारतीय बल्लेबाजों के विकेट चटकाए। मैच में पहले दिन क्या कुछ हुआ। कानपुर टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर 258 रन बनाए। 5वें विकेट के लिए श्रेयस अय्यर 75 और रविंद्र जडेजा 50 के बीच 113 रन की नाबाद साझेदारी हुई। एक वक्त 145 रन पर अपने 4 विकेट गवा चुकी टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा की साझेदारी ने टीम इंडिया को 250 पार पहुंचाया। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने पहले दिन 3 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 345 रन का स्कोर खड़ा किया। दूसरे दिन 258/4 के स्कोर से आगे खेलते हुए टीम ने 87 रन जोड़े और 6 विकेट गवाए। भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर ने अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया और 105 रन बनाकर आउट हुए। भारत की तरफ से अन्य बल्लेबाजों में शुभमन गिल 52, रविंद्र जडेजा 50 और रविचंद्रन अश्विन 38 रन बनाए। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साउदी सबसे सफल गेंदबाज रहे और 5 विकेट झटके, जबकि काइल जेमिसन के नाम 3 विकेट आए। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लाथम 50 और विल यंग 75 क्रीज पर होंगे। दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच 129 रन की नाबाद साझेदारी हो चुकी है। मैच के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाज विकेट निकाल पाने में असमर्थ रहे। तीसरे दिन के पहले सेशन में भारतीय खिलाड़ियों पर जल्द विकेट निकालने का दबाव होगा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर स्कोर न्यूजीलैंड 129/0, भारत 3-4-5-10। आज मैच का तीसरा दिन है और पिच अब धीरे धीरे टूटेगी, ऐसे में यहां स्पिनरों की भूमिका होने वाली है। कोच राहुल द्रविड़ और टीम के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी इस बात को बखूबी जानते हैं और इसलिए पिच का को समझने का प्रयास कर रहे हैं।